Hello dear students, today we would like to study about the chapter number 1, class 7 mathematics. The name of chapter is knowing our numbers, I mean integers. ठीक है, हम integers के बारे में study करने के लिए जा रहे हैं. तो हमने ये देखा कि जो integers होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमने part 1 में देखा. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे left side पर, एंड माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री ऐसे लेफ्ट साइड पर, और अदरवाइज पॉजिटिव है वो राइट साइड पे होते हैं. ठीक है, आपने उसको नंबर लाइन के ऊपर भी याद रखा था कि ऐसे अगर नंबर लाइंस में ड्रॉ कर दूँ और नंबर लाइंस के बीच में यहाँ पे मैं लिखूँ जीरो, देन राइट साइड पे जितना मैं टूवर्ड करूँगा यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, ऐसे बढ़ता जाएगा. यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इसको नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है, जीरो है वो न्यूट्रल होता है, नॉन नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव. तो बच्चों ये जो है वो इंटीजर्स है, हालांकि मैंने नंबर लाइंस ड्रॉ की है, पर नंबर लाइंस और इंटीजर्स, ठीक है, क्या मैंने बोला, नंबर लाइन, नंबर लाइन एंड इंटीजर्स, इंटीजर्स ये दोनों सेम थिंक नहीं है, ये दोनों इक्वल इक्वल नहीं है. हाँ, नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स बैठते हैं, पर इंटीजर्स के अंदर वे सारे नंबर नहीं आते जो नंबर लाइन के ऊपर भी लाइज करते हैं. ठीक है, अगेन बोलता हूँ, नंबर लाइन के अंदर, नंबर लाइन के अंदर इंटीजर्स भी बैठते हैं, यानी ये सारे मेंबर इसके ऊपर दिखने को मिलते हैं. पर जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, या तो आपके सामने कोई इंटीजर्स की बात कर रहा होता है, तो आपको ये याद रखना होता है कि यहाँ पे सिलेक्टेड नंबर ही आएंगे, यहाँ पे जो स्पेसिफाइड नंबर है, स्पेशल टाइप के नंबर है, वही इंटीजर्स के अंदर आएंगे. जो मैंने सामने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, दिस होल नंबर स्टिल कंटिन्यू इनफाइनाइट पॉजिटिव एंड एज वेल एज हियर इनफाइनाइट नेगेटिव. तो बच्चों ये जो इंटीजर्स होते हैं वो इंटीजर्स के अंदर 1.5 नहीं आता, जैसे कि मैंने बोला था 1.5 इसके अंदर नहीं, मतलब इंटीजर्स के अंदर नहीं आता, पर 1.5 क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं आता है? आप कहेंगे यस, 1 और 2 के बीच में सर करीबन अप्रोक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू आएगी, वो 1.5 की होगी. ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है वो 1.5 की होगी. इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन के ऊपर डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर, फिर डेसिमल वाले नंबर, इंटीजर जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये सारे नंबर्स है, आप 9th-10th में जाएंगे तो इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स आएंगे. तो बच्चों नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर, यानी दुनिया की वे सारे नंबर जो आप पेन से लिख सकते हैं वो नंबर लाइन के ऊपर लाइज करती है, पर इंटीजर्स के अंदर सिलेक्टेड नंबर आते हैं 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट इक्वल नहीं है. तो हमने नंबर लाइन्स के बारे में देखा, सेकेंड थिंग्स मतलब इंटीजर्स के बारे में हमने देखा. इंटीजर्स में आपको एक दूसरी बात ये याद रखनी थी कि जैसे जैसे आप राइट साइड के मूविंग करते हो, जैसे ही आप राइट साइड की और मूविंग करते हो, आप मूव करते हो, आप लोगों को बड़ी बड़ी नंबर मिलती जाती है. जैसे कि मैं अगर 1 की और 2 की कंपेयर करूँ, तो 2 वो राइट साइड पे बैठा है 1 की कंपेयर से, उसका मतलब ये हुआ कि 2 है वो ग्रेटर वैल्यू है 1 से. ठीक है, अगर मैं ये दोनों की बात करूँ, इस नंबर और 4 की मैं बात करूँ, ठीक है, कि नेगेटिव थ्री और फोर इसके बीच में विच नंबर इज वेरी ग्रेटर, तो आपको सिंपली कॉन्सेप्ट से आप तो ये याद रखेंगे कि पहले मैं सिंपली अपने दिमाग में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करूँ, नंबर लाइन को इमेज करूँ, और फिर मैं ये दोनों में कंपेयर पहले ये देखूंगा कि कौन सी नंबर राइट साइड पे होगी. तो जाहिर सी बात है, 4 राइट पे होगा और माइनस 3 लेफ्ट पे होगा. तो जो राइट पे होता है वो नंबर ऑलवेज बड़ा होता है, यानी हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं लेस देन, माइनस 3 इज लेस देन 4. ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो है ये थिंक हमने पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा. ठीक है, चैप्टर पार्ट 1 में ये हमने देखा. अब पार्ट 2 में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स के रिलेटेड. और ये प्रॉपर्टीज आपको आने वाले अगर बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि 9th-10th, 11th-12th, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं बीच में आपके कॉन्सेप्ट अगर इसके बारे में क्लियर होंगे तो वहाँ पे दिक्कत कम होगी मैथमेटिक्स में. तो चलो देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है. क्लोजर प्रॉपर्टी यानी और कुछ नहीं है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स. यानी अगर क्लोजर प्रॉपर्टीज को मैं एडिशन के अंडर डिस्कस करूँ, तो एडिशन का मतलब होता है प्लस. ठीक है बच्चों, एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस होता है. तो देखो मैंने प्लस प्लस की साइन कर दी. अब एडिशन प्रॉपर्टीज किसके रिलेटेड है बच्चों? इंटीजर्स के रिलेटेड है. तो मान लो कि मैं ये कहाँ ना कहीं यहाँ पे एक इंटीजर्स लिख लूँ, जैसे कि माइनस वन यहाँ पे लिख लूँ, एंड यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लूँ जैसे कि 3. ठीक है बच्चों, तो ये इसका जो आंसर आएगा, माइनस वन एंड थ्री का आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे माइनस वन प्लस थ्री,
यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइन है दोनों नंबर के पास, और हमें पता है डिफरेंट साइन होता है तब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे होगा टू, थ्री में से वन लेस होगा तो आंसर मिलेगा बच्चों टू। और थ्री के पास, जबकि थ्री बड़ा नंबर है और उसके पास प्लस साइन है, तो इसको प्लस अप्लाई होगा, दिस आंसर गेटिंग टू। अगेन मैं कोई इंटीजर्स पकड़ लूँ जैसे कि इलेवन और यहाँ पे -10, ठीक है, तो 11 का 11 प्लस माइनस, यहाँ पे दो साइन आ गई, देखो प्लस है और माइनस है, तो दोनों में फाइट होगी और कौन जीतेगा, तो आपको पता है यहाँ पे प्लस और माइनस यानी डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन होती है तो सब्ट्रैक्ट यानी प्लस माइनस माइनस 10 एज वेल एज नाउ 11 माइनस 10 इज गेटिंग 1, जबकि 11 बड़ा है और उसके पास प्लस साइन है, तो इसको प्लस अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, अगेन एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि -22 और यहाँ पे मैं लिख लूँ जैसे कि 11, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे -22 प्लस 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 11, और इसका जो आंसर होगा, हमें पता है यहाँ पे दोनों पे पास जो साइन है वो डिफरेंट साइन है, और जब डिफरेंट साइन आती है तब हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, 22 में से 11 की सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें पता है 11 बचता है, जबकि 22 लार्जर नंबर है। देखो मैं सिर्फ 22 बोल रहा हूँ, मैं -22 नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव 11 बड़ा है -22 से, पर हमें अभी इसको कौन से साइन अप्लाई होगी वो जब हमें देखना होता है, तो हम उसके सिंबल को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको नेगलेक्ट करने के बाद आपके सामने 11 और 22 बचा, देखा, तो यहाँ पे 22 जो है वो लार्जर वैल्यू है 11 से, और उसके पास नेगेटिव सिंबल है, दैट्स वाई वी कैन अप्लाई हियर नेगेटिव 11। तो देखा आपने, जब मैंने दो इंटीजर्स को प्लस किया आंसर में मुझे एक इंटीजर्स मिला, जब मैंने दो इंटीजर्स को प्लस किया मुझे आंसर में अगेन इंटीजर्स मिला, एज वेल एज वेन आई ट्राई टू एड द टू इंटीजर्स बोथ साइड एंड आई गेटिंग द इंटीजर्स अगेन, तो क्या यहाँ पे कहीं डेसिमल वैल्यू मिली? नो। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो इंटीजर्स को प्लस किया जाता है तो आपको इंटीजर्स ही मिलता है, इसको ही तो कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ही तो यही हुआ कि अगर आप दो इंटीजर्स को प्लस करो और आपको अगर आंसर में भी एक इंटीजर्स मिले, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये जो दो नंबर्स है वो एडिशन प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी इज टू इंटीजर एंड इट सम इज ऑल्सो गेटिंग इंटीजर्स, दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो एडिशन इंटीजर्स के ऊपर एडिशन करने के बाद क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पे फॉलो होती है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल है बच्चों। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? हमें कहा है कि अगर कोई दो इंटीजर्स को हम ऐड करें, जबकि एडिशन के ऊपर ही ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम देख रहे हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो अभी एडिशन के लिए देख रहे हैं, तो हम पहले प्लस करेंगे, मान लो कि मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस कर दिया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे इंटीजर्स, क्योंकि हम इंटीजर्स देख रहे हैं तो मैं इंटीजर्स देखेंगे, जैसे कि मैं लूँ -11 और यहाँ पे कोई भी माइनस वाला ले लूँ, जैसे कि -10, ठीक है बच्चों, -11 प्लस -10, इसका जो आंसर आता है, और यहाँ पे ये दोनों इंटीजर्स को मैं चेंज कर दूँ, मैंने पहले -10 लिखता हूँ और फिर -11 लिखता हूँ, ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। -11 का -11 प्लस माइनस -10, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा -11 प्लस 10, यानी ये कितना होगा बच्चों, सेम साइन है तो पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 21, ठीक है, 11 प्लस 11 -10 21, जबकि यहाँ पे 11 बड़ा है तो इसकी सिंबल अप्लाई करेंगे, -21 हमें मिला। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, -10 प्लस 11, -10 प्लस माइनस -11, -10 -11, देर आर बोथ नंबर्स हैव सेम साइन, देन वी कैन डू द एड, देन 10 प्लस 11 सिंपलीफाई सिंपल 21 गेटिंग, एंड हियर अगेन 11 हैज द लार्जेस्ट नंबर इज 11 एंड इट हैज द नेगेटिव साइन, देन वी कैन अप्लाई हियर नेगेटिव 21। नाउ लुक बोथ साइड व्हाट हैपेंड, जब मैंने -11 और -10 का मैंने प्लस किया, ठीक है, तो मुझे -21 मिला। अब यही दो इंटीजर्स को मैंने पलट दिया, पहले -10 लिखा फिर -11 लिखा, एंड देन मैंने जब ऐड किया तो भी मुझे -21 ही मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों आंसर अपने आप में सेम है तो ये दोनों भी अपने आप में सेम ही है,
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ए प्लस बी करूँ और बी प्लस ए करूँ तो आंसर मुझे ऑलवेज इक्वल मिलेगा। यहाँ पे हमें ये देखना है वेर ए एंड बी क्या है बच्चों, ए एंड बी ये दोनों नंबर क्या हो गया, कोई ना कोई इंटीजर्स ही होंगे। समझ में आई बात बच्चों, कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब दो इंटीजर्स को ऐड करूँ और उसकी जो प्लेस है उसको मैं पलट दूँ और वापस उसको प्लस करूँ तो भी आंसर में कोई बदलाव आएगा नहीं, वो सेम ही रहेगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर अगेन एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि अगेन एक एग्जांपल हम ले -7 और यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि कोई भी नंबर जैसे कि 10, ठीक है, और ये दोनों को मुझे क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, ठीक है। ये इंटीजर्स और ये इंटीजर्स को मैं प्लस करूंगा, यहाँ पे भी इंटीजर्स बिठाना है, पर यही इंटीजर्स बिठाएंगे, बस उसकी प्लेस चेंज करनी है। तो 10 पहले लिखेंगे और -7 को पीछे रख देंगे। अब देखो -7 का तो -7 हुआ, प्लस है यहाँ पे भी 10 कैसे है, प्लस है, देखो ब्रैकेट के अंदर 10 कैसे है, पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे 10 -7 प्लस 10 डिफरेंस साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे ओब्वियसली, 7 8 9 10 दैट्स 3 रिमेन, और बड़ा 10 है उसके पास पॉजिटिव सिंबल है तो 3 होगा पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चों अगर देखे तो 10 एज इट इज प्लस माइनस -7 होगा, 10 -7 हमें सबको पता है कि 3 मिलता है, 10 जबकि बड़ा है तो पॉजिटिव साइन अप्लाई होगा। तो देखो दोनों इंटीजर्स की हमने सिर्फ प्लेस चेंज की, पर किया तो एडिशन, ठीक है, एडिशन करने के बाद हमें ये आंसर सेम मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर्स है वो एडिशन ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन प्रोसेस को फॉलो करता है। तो ये हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज देखा। अगेन रिकैप कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये एक बताता है कि अगर ए और बी, ठीक है बच्चों, कि अगर ए एंड बी अगर ये दोनों इंटीजर्स है और अगर उसको मैं जब प्लस करूँ, ठीक है, तो उसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर ऑलवेज इक्वल ही होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, बी प्लस ए से, ठीक है। ये सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग हुआ। तो हमने बच्चों आज दो प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। चलो अब देखते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज दो इंटीजर्स के लिए ही यहाँ पे फिक्स नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी है या तो कहीं भी अप्लाई करनी है बच्चों, तो आप टू या तो मोर देन टू इंटीजर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर एडिशन की बात कर रहे हैं और टू टू से मोर देन अगर हम इंटीजर्स ले तो पहले किसको ऐड करना है, किसको बाद में ऐड करना है, ठीक है बच्चों। तो फॉर एनी थ्री या तो मोर देन थ्री इंटीजर्स इट डज नॉट मैटर विच टू आर ऐड फर्स्ट। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कौन से दो इंटीजर्स को पहले ऐड करो और कौन से दो इंटीजर्स को पीछे ऐड करो, यही तो बड़ा बेनिफिट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। समझ में आ रही है बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बड़ी समझ में सिंपल है। क्या कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आपके पास दो या तो दो से ज़्यादा इंटीजर्स हो, इफ यू हैव टू या तो मोर देन टू इंटीजर्स, जैसे कि मैं लिखूँ अगर मेरे पास थ्री इंटीजर्स थे ए बी और सी, ठीक है, तो अगर मैं पहले ए और बी को ऐड करूं और फिर इसका जो आंसर मिला उसको मैं सी के साथ ऐड करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा बच्चों वो वही तीनों इंटीजर्स को ऑर्डर में इस प्रकार से मैं ऐड करूं कि पहले बी सी को ऐड करूं और उसका जो आंसर मिले वो ए के साथ ऐड करूं तो भी आंसर इक्वल ही मिलेगा। ये बड़ा बेनिफिट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि मुझे ऐड करना है, मेरे पास थ्री इंटीजर्स है और उसको मुझे ऐड करना है, ठीक है बच्चों, जैसे कि एक है -7, एक है 5 और यहाँ पे है 10, ठीक है बच्चों, ये थ्री इंटीजर्स है मेरे पास। तो मेरे पास ये जो थ्री इंटीजर्स है, ठीक है, मेरे पास ये जो थ्री इंटीजर्स है, मैं पहले ये दोनों को प्लस करता हूँ और आंसर क्या मिलता है, चलो देखते हैं। -7 प्लस 5, हमें पता है -7 प्लस 5, -7 प्लस 5 प्लस 10, -7 प्लस 5 कितना होता है, -2 होता है, और +10 यानी हमें टोटल यहाँ पे मिला 10 9 8, ठीक
ठीक है बच्चों, हमें 8 यहाँ पे मिला और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि 10 बड़ा है। चलो अब इसी नंबर को थोड़ा चेंज करके लिखे, जैसे कि -7, ठीक है, फिर 5 और फिर 10, पर इस बार मैं ये दोनों पे ब्रैकेट लगाऊंगा और इसका जो आंसर मिले वो इसके साथ ऐड करूंगा। देखो ए प्लस बी को पहले मैंने ऐड किया और फिर सी के साथ यानी 10 के साथ एडिशन करने के बाद मुझे 8 मिला। अब मैं इस रूल्स के ऊपर फॉलो करता हूँ, ए यानी -7, बी प्लस सी यानी 5 प्लस 10 को मुझे ऐड करना है और जो आंसर मिले वो क्या मिलता है चलो देखते हैं। -7 एज वेल एज नाउ 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 इज नथिंग बट 15, -7 प्लस 15 कितना बचा, -7 प्लस 15, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है यानी डिफरेंट डिफरेंट साइन है, दोनों नंबर के पास डिफरेंट साइन है। और हमें पता है जब डिफरेंट साइन होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, एड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियसली 8 बचेगा और वो जो 8 है वो 15 बड़ा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव 8 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो दोनों पे 8 मिला, ये मैटर नहीं किया कि यहाँ पे पहले किसी ने ऐड की, मैं यहाँ पे दो नंबर्स पहले ऐड हुए फिर 10 के साथ ऐड हुए, यहाँ पे -7 सेम टू सेम रहा और 5 प्लस 10 को मैंने पहले ऐड किया तो भी आंसर में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 और 8 इक्वल है तो इसको भी इक्वल हम कह सकते हैं, क्यों ना कहें। ठीक है, यानी ये जो 3 इंटीजर्स है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है। कहने का मतलब यह है कि इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, इंटीजर्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करती है और इंटीजर्स है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है। ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले इंटीजर्स क्यों फॉलो करते हैं अगर हम उसके बीचों में एडिशन की प्रोसेस लगाएंगे तो। ठीक है बच्चों, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो इंटीजर्स का सम इंटीजर्स ही मिलेगा। फिर हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर ए प्लस बी करो तो आंसर आपको बी प्लस ए जितना ही सॉरी ए प्लस बी करो तो आंसर आपको बी प्लस ए जितना ही मिलेगा। ठीक है, यानी इंटीजर्स की प्लेस चेंज करने से एडिशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको आंसर सेम मिलेगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये कहता है कि फॉर एनी 3 या तो मोर देन 3 इंटीजर्स इट डज नॉट मैटर विच 2 आर एडेड फर्स्ट। ठीक है, ये बिल्कुल आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि कौन से 2 इंटीजर्स को आप पहले ऐड कर रहे हो या फिर कौन से 2 इंटीजर्स को आप पीछे ऐड कर रहे हो। ठीक है, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज देखा, चलो अब हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटीज बच्चों, हमारे पास बहुत सारे इंटीजर्स है, ठीक है, इनफाइनाइट इंटीजर्स है। अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको सारे के सारे इंटीजर्स पॉजिटिव वाले मिलेंगे, अगर आप लेफ्ट की साइड भागने को लगे तो आपको नेगेटिव यानी माइनस वाले इंटीजर्स मिलेंगे, बीच में रहेगा 0। तो ये बहुत सारे आपके पास जो इंटीजर्स है उस इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटीज आपको ये कहती है कि इफ वी एड 0, ठीक है, अगर हम 0 को ऐड करें फॉर विथ एनी इंटीजर, हम कोई भी इंटीजर्स के साथ अगर 0 को ऐड करें तो आंसर में हमें इंटीजर्स इटसेल्फ ही मिलेगा, जो है वो खुद ही खुद मिलेगा। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर ए प्लस 0 किया तो हमें ए ही मिलेगा, समझ में आया, ए मेरा क्या था, ए मेरा इंटीजर्स था। ठीक है बच्चों, ए मेरा इंटीजर्स था, 0 तो 0 है तो आंसर में आपको यही ए मिलेगा वापस, जो यहाँ पे था वही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले -7 का 0 के साथ ऐड करूं तो आंसर में क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। अगेन एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं 10 को ऐड करूं 0 के साथ तो आंसर में मुझे 10 ही मिलेगा। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि -11 को 0 के साथ ऐड करूं -11 मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि मैं लूँ, है ना, इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, जैसे कि 0 प्लस -12 करें तो आंसर में -12 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एडिटिव आइडेंटिटीज है, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटीज कौन है, 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी इंटीजर्स को ऐड किया जा रहा है तो खुद वो सेल्फ इंटीजर्स अपने आप में वही आंसर मिल रहा है, यानी जो था इंटीजर्स वही आंसर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ये एडिटिव आइडेंटिटीज है, आप सिंपली इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स वैसे देखा जाए तो ये एक ऑपरेशन भी है, एडिटिव इनवर्स जो है वो एक ऑपरेशन टाइप का भी है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछेंगे कि इसका ये एडिटिव इनवर्स अंडर फॉलो करता है कि नहीं, पर आपको यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, पहले तो आप ऐसे याद रखो कि एडिटिव इनवर्स यानी मुझे एक ऐसे इंटीजर्स फाइंड करना है जिसके साथ अगर मैं इंटीजर्स को ऐड करूँ तो मुझे आंसर में 0 मिले।
जैसे कि मैं अगर बोलूं कि मेरे पास कोई इंटीजर्स है ए, ठीक है बच्चों, मेरे पास कोई इंटीजर्स है ए, ए के साथ मुझे प्लस करना है कोई ऐसा इंटीजर्स जो रिजल्ट देगा जीरो, ठीक है। अब आप सोचने लगेंगे कि सर ए के साथ ऐसा तो कौन सा इंटीजर्स है जो प्लस करने के बाद जीरो मिलता है, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि सर प्लस करने के बाद तो कोई वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, जीरो कैसे मिलेगा। अगर ए के साथ किसी कोई भी वैल्यू को मैं प्लस करूंगा तो वो तो वैल्यू इंक्रीज होगी, जीरो कैसे मिलेगा। पर यहाँ पे जो आपको नंबर रखना है वो नंबर आपको इंटीजर्स में से रखना है बच्चों, ठीक है। आप देखेंगे कि सर ए में अगर मैं जीरो ऐड करूँ तो आंसर तो ये मिलता है, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी, ये तो एडिटिव आइडेंटिटीज है। जीरो लाना है तो मैं क्या करूँ, आप सोचे, आप कोई भी नंबर रखेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा, पर अगर आप ए का ही नेगेटिव ए रखेंगे तो क्या होगा। देखो ए प्लस माइनस माइनस और ए का ए, तो डेफिनेटली आपको जीरो मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास सपोज मान लो कि 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स वो होगा जो आपको प्लस करने के बाद जीरो देगा। तो वो डेफिनेटली कौन सा नंबर होगा बच्चों, वो होगा -5। तो -5 है वो 5 का क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स हुआ। बात समझ में आई। अगर मैं बोलूँ जैसे कि 7, या तो मैं लिखूँ -7, -7 का मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, -7 का मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं +7 लिखूंगा क्योंकि -7 और +7 का जो एडिशन है वो जीरो देगा। तो ये जो 7 है वो एडिटिव इनवर्स है, क्या है बच्चों, एडिटिव इनवर्स। और किसका एडिटिव इनवर्स है, -7 का। -5 किसका एडिटिव इनवर्स है, 5 का, ठीक है। चलो होमवर्क में आपको मैं ये मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ कि आपको ये जो नंबर्स है, ठीक है बच्चों, इस नंबर्स के आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करके लिखना है। -101, फिर 7, फिर 8, -11, -31 और 0, ठीक है बच्चों। यस, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन के आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करके लेना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स देखा। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हमने टोटल अगर देखे तो 5 प्रॉपर्टीज इस प्रकार से देखी कि पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कहती थी कि कोई इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ प्लस किया जाएगा तो आंसर में रिजल्टेंट आपको इंटीजर्स ही मिलेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यह बता रहा था कि अगर इंटीजर्स के बारे में आप एडिशन करने के लिए जा रहे हो तो आप ये भी याद रखो कि अगर दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे जिसका नाम मान लो कि ए और बी है तो उसका जो आंसर है वो भी बच्चों बी और ए जितना ही मिलेगा, यानी बी प्लस ए जितना मिलेगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, कि ये मैटर नहीं करता कि कौन से दो इंटीजर्स को पहले ऐड करें और कौन से इंटीजर्स को पीछे ऐड करें, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये बड़ा बेनिफिट था कि दो या तो मोर देन दो मतलब टू या तो मोर देन टू इंटीजर्स अगर हमारे पास है तो ये मैटर नहीं करता कि कौन से इंटीजर्स को पहले ऐड करना है। अगर आप ए प्लस बी को पहले ऐड करो और उसको सी के साथ ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो ए को सेपरेट रखने के बाद बी प्लस सी को ऐड करने के बाद अगर ए के साथ ऐड करें उतना होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने एडिटिव आइडेंटिटी हमने देखी कि जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसके लिए, इंटीजर्स के लिए, क्योंकि जीरो एक ऐसा मेंबर है जो कोई भी इंटीजर्स के साथ प्लस होगा तो आंसर में आपको रिजल्टन खुद इंटीजर्स वही मिलेगा जिसके साथ आप जीरो ऐड करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। और फाइनली हमारे सामने है एडिटिव इनवर्स। क्या है एडिटिव इनवर्स, अभी हमने देखा कि हमें ऐसा इंटीजर्स फाइंड करना है जिसको ऐड करने के बाद हमें जीरो मिले। मैं 5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जा रहा हूँ तो 5 का एडिटिव इनवर्स मुझे -5 होगा। अगर -7 का मैं एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे +7 रखना होगा क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर है जिसको प्लस करने के बाद मुझे रिजल्ट में जीरो मिलता है। तो आपके सामने ये नंबर से आपको 6 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो लेक्चर। हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 का हमने ये पार्ट 2 देखा, ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट देखा। अब थर्ड पार्ट थोड़े ही टाइम में अपलोड होगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।